इन द चैप्टर ऑफ ऑप्टीमाइजेशन द टूडेज टॉपिक इज कॉस्ट मिनिमाइजेशन स्टूडेंट जिस तरह हमने पहले ऑप्टीमाइजेशन के वेरियस मैथड को प्रोडक्शन सेटअप के ऊपर अप्लाई किया है तो प्रोडक्शन में हमने सबसे पहले फैक्टर डिमेंड के बारे में बात की और उसके लिए हमने ऑप्टिमाइजेशन की फिर हमने आउटपुट के बारे में बात की सो वेन एनी एम्प्लॉयर और एनी प्रोड्यूसर हैज़ टू ऑप्टिमाइज़ मीन द बेस्ट रिसोर्स एलोकेशन को उसने एक्सेप्ट करना हो तो ना उसके पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो अपने रिसोर्स को जो कि उसके इनपुट्स हैं उसमें उसके पास उसकी मार्केट प्राइस को देखते हुए वो कॉस्ट को मिनिमाइज करें अब कॉस्ट मिनिमाइजेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कि क्या जो फॉर्म या प्रोडक्शन सेटअप है वो कौन से वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर रहा है मीन आई दर देयर विल बी वन वेरिएबल आई दर देर विल बी मोर वेरिएबल और आईदर इट विल बी द केस ऑफ ओनली टू वेरिएबल केस नाउ बी द शेप ऑफ दोज वेरिएबल आईदर ऑल द वेरिएबल्स दे आर वेरिएबल मीन दे कैन बी वेरिड और एनी वेरिएबल इज़ हैविंग द शेप ऑफ फिक्सड फैक्टर मीन दैट विल नॉट चेंज थ्रू आउट द स्टडी पीरियड और वी कैन से देट विल नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन and one thing more that we have to work out here that is when we calculate the output we say that is the output per any specified time mean this is the working uh, capacity of any machine and it has produced 100 units per week or it has produced 1000 units per month and likewise so the output ko, मईर करते हैं तो हम एक पर्टिकुलरली टाइम फ्लो के साथ देखते हैं सो व्हेन वी कंसीडर दैट टाइम फ्लो इट मेक्स अस नेसेसरी कि हम उस टाइम फ्लो ऑफ आउटपुट के साथ जो इनपुट इस्तेमाल हुआ है या जो फैक्टर्स हैं उसको भी सिर्फ उसी टाइम फ्रेम के अंदर ही रह कर देखें तो इट फर्दर नेसेसिटेट्स फॉर द एम्प्लॉयर टू मैयर द वेरिएबल्स और द फैक्टर्स थ्रू दैट पीरियड जो हमने सिर्फ उस आउटपुट की वर्किंग के लिए लिया है और इसका मतलब यह है कि जब हम टाइम फ्रेम तय कर लेंगे तो उसमें सिर्फ कॉस्ट के दौरान मेयरिंग के दौरान हमने इनपुट्स की क्वांटिटी को ही नहीं देखना हमने सिर्फ उन प्राइसेस के साथ इसको देखना है जो उस टाइम फ्रेम के दौरान ही अवेलेबल थी क्योंकि टाइम फ्रेम से बियॉन्ड एंड आफ्टर और इवन ड्यूरिंग देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज सो फॉर दैट टाइम फ्लो व्हेन इट वाज परचेज फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन वट वॉज़ द टाइम अब अगर हम यहीं पर देखें तो कई दफ़ा इनपुट के परचेज करने के बाद जब मेन एंटरप्रन्योर ने परचेज कर लिया और उसके बाद उसकी मार्केट प्राइस चेंज हो गई अब अगर उस टाइम हम देखें तो जो उसकी मार्केट प्राइस चेंज हुई लेकिन वो उसके ऊपर ऑलरेडी पैसे खर्च कर चुका था तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अगर हम देखेंगे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी हायर दैन द एक्चुअल कॉस्ट दैट द एम्प्लयर हैज़ इनकार्ड और लाइक वाइज कई दफ़ा ऐसा मुमकिन है कि कोई इनपुट जो एक फर्म में इस्तेमाल के लिए ख़रीद कर लिया गया और कुछ ही दिनों बाद अभी प्रोडक्शन में जब वो जा रहा था तो मार्केट में उस इनपुट की उस फैक्टर की जो प्राइस है वो डाउन होगी अब उस वक्त उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट को अगर हम देखेंगे तो वो कम होगी दैन दैट कॉस्ट जो कि वो ऑलरेडी इनकर् कर चुका है इसी लिए कॉस्ट मिनिमाइजेशन के दौरान जो बैक एंड पे वर्किंग है उसमें हमें इन तमाम चीज़ों को देखना होता है एंड द टाइम फ्लो इज़ द मेन ऑस्पेक्ट जो हमें इसमें इंक्लूड करना है एंड नाउ गिविंग विद आवर प्रीवियस फंक्शन नाउ इफ वी हैव टू मिनिमाइज आवर कॉस्ट एंड दैट कॉस्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द क्वान्टिटी ऑफ इनपुट बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द इनपुट

Or even we can say that it was labor, or we can say that it is the capital. So various forms can express the two types of the inputs quantities. And this quantity definitely it will show the inverse related to this that it is equal to cost divided by its price. So here it can be C divided by W, and here it can also show that it is C divided by if X2. Its wage rate and in the form of Z2 function that we have seen, there it is C divided by price 2, and here cost divided by price 1. So these are the various forms that we can utilize, but it will show that similar result. And it shows that these straight lines and these straight lines are particularly we can say these are the budget lines for the firms, or we can say these are the cost lines. And these curves or the graph that we have shown here, these are basically the isoquants. And from that combination of isoquants and isocost, we can see that this point is tangent here and this is tangent here. And we are certain that, that what is that point that will ensure that the entrepreneur can attain this amount of the output, but with the minimum cost. So, for the minimization of the cost, graphically, this method will be utilized. And if we have to see in the other form of the capital and labor, we can also explain the similar that these are the various budget lines and these are the isocons, and we will explain only through labor and capital, or we can have this amount due to C by W. Now, coming to the points where we can see that. Cost is the function or the combination is of like this, and we can see that it is equal to W into X2. And if now I have to factor out that, what is the amount of Z2 or mean the quantity of input? 2. So, we have seen this, it will be like this: this C minus P1 Z1 that will be equal to. Z2 into P2, and when we have to further factor out, we will divide this function with P2, and it will show us that this C1 by P2 will be the first part, and the second part it shows that it is the ratio of the two input price. And if we measure in the form of X2, it will give us C divided by W2 minus. डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू टू इन टू एक्स वन एंड नाउ वेन वई हैव टू मईर द चेंज दैट वट विल बी द चेंज इन दिस जी टू थ्रू द चेंज इन एक्स वन अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब है कि अगर जी टू की हम चेंज को फिक्स एक्सेप्ट कर लें और देखें कि सिर्फ एक इनपुट के वेरिएबल के चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता है हमारी टोटल अमाउंट ऑफ द अदर इनपुट पर तो वैन वे डिफ्रेंशिएट

और वो बेस्ट है इंटीरियर सोलूशन जो कि हम देखते हैं सो दैट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सीट्यूशन को अगर हम इक्वेट करें तो दिस इज़ आवर वन पार्ट एंड सेकेंड पार्ट पे जब हम आइसो कॉस्ट लाइन की स्लोप को चेक करते हैं तो वो हमें प्राइस को शो कर रहा है तो so वेन हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो दट इट गिव्स दैट इट गिव्स मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन इट शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ isocost and when we equate this this comes like this mean p1 by p2 is equal to f1 by f2 or in other words we can say it will be w1 by w2 and when we say first derivative and second here we can equate this that it will be marginal physical productivity with respect to first variable and marginal physical productivity with respect to second variable and even from this we can have a cross multiplication and we can ascertain that this point of p1 divided by mpp we can have and this condition it tells that w1 by mpp equal to w2 by mpp here it can be by x1 and x2 and this ratio shows that for any variable इट विल बी आर पॉइंट वेयर द वेज रेट डिवाइडेड बाय द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी दैट वॉज अटेन्ड बाय इंक्रींग दैट वेरिएबल इट विल बी इक्वल फॉर द अदर वेरिएबल एंड लाइक दिस सो दिस मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर हम अगर हम देखें तो वो इसको हम अगर इन्वर्स करते हैं तो यह बताती है कि जो एक हमारे पास प्राइस ऑफ इनपुट आ रहा है वो बेसिकली उसकी उस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को शो कर रहा है और अगर हम अदर देखें तो उसको जो नंबर ऑफ यूनिट्स हमने अगर किसी इनपुट के इस्तेमाल करने हैं तो वो उतने होते हैं जिसके ज़रिए हम कह सकें कि वो एक इनपुट टोटल आउटपुट में जो मार्जिनल एडिशन दे रहा है या एडिशनल आउटपुट उसकी वजह से दे रहा है और उसी को अगर हम देखें तो जो उसका वेज रेट है या उसकी प्राइस है इफ़ इट इज़ मल्टीप्लाई बाय वन बाय इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो वो उसकी कॉस्ट को शो करता है और यही चीज़ हमने यहाँ पे शो की थी कि जो टोटल कॉस्ट है अगर हम देखें तो वो बेसिकली दिस इज़ पार्ट वेयर वी कैन सी कि वो वन यूनिट की अगर हम कॉस्ट को देखें तो वो उसकी वेज डिवाइड बाय एम पी पी के इक्वल हमारे पास आ जा